चांद पर बसाई भूत और चुड़ैलों ने दुनिया। वाओ, ये तारे कितने टिमटिमा रहे हैं और ये चांद तो उनसे भी ज्यादा सुंदर है। क्या हम चांद पर भी जा सकते हैं? माँ से पूछता हूँ। वो अपनी माँ के पास जाता ही है कि सुमन आकर कहती है, अरे मेरा बेटा, चांद तारों को देखकर क्या सोच रहा है? अरे माँ, मैं आपके ही पास आ रहा था। माँ, मुझे पूछना है, क्या हम चांद पर जा सकते हैं? देखिए, यहाँ से चांद कितना खूबसूरत लगता है। हाँ बेटा, चांद खूबसूरत तो है, पर हम चांद को सिर्फ दूर से देख सकते हैं, वहाँ जा नहीं सकते। बहुत मुश्किल होता है वहाँ जाना। नहीं है मुश्किल माँ, मुझे चांद पर जाना है, जाना है, जाना है, जाना है। अरे बेटा, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, मैं पापा के पास ही जा रहा हूँ। सनी भागता हुआ अपने पिता प्रवीण के पास जाता है। पापा पापा, माँ कहती है हम चांद पर नहीं जा सकते, पर मुझे चांद पर जाना है। प्लीज पापा, मुझे चांद पर लेकर चलो ना। देखो, नील आर्मस्ट्रांग भी चांद पर गए थे, तो मैं क्यों नहीं जा सकता? बेटा, वहाँ बच्चे नहीं जाते हैं। पहले पढ़ाई कर लो, फिर तुम चांद पर जाने की सोचना। अभी बहुत रात हो गई है, जल्दी से सो जाओ वरना भूत और चुड़ैल आ जाएंगे। हाँ, जो बच्चे सोते नहीं हैं, भूत और चुड़ैल उन्हें बहुत डराते हैं। ठीक है माँ पापा, मैं सो रहा हूँ। ये कहते ही सनी अपने कमरे में सो जाता है। कुछ देर बाद उसकी खिड़की से एक तेज नीली रोशनी आती है, जिसकी चमक उसके चेहरे पर पड़ती है। कर कहता है, अरे ये इतनी लाइट कहाँ से आ रही है, जरा देखता हूँ। ये कहकर सनी खिड़की की ओर जाता है, जहाँ वो एक खूबसूरत सा नजारा देखता है। आसपास बादल हैं और एक लंबी सी सीढ़ी चांद की ओर जा रही है। ये देखकर छोटा सा सनी हैरान होते हुए कहता है, अरे वाह, लगता है ये सीढ़ियाँ मुझे चांद पर ले जाएंगी, जाऊँ या नहीं? सनी सोचता है, तभी एक टिमटिमाता हुआ तारा उससे कहता है, अरे तुम तो चांद पर जाना चाहते हो ना, तो सोच क्या रहे हो, इस सीढ़ी पर पैर रखो और चांद पर जाकर मजे करो। सच? मैं चांद पर जा पाऊंगा? हाँ बिल्कुल। तभी सनी उन सीढ़ियों पर पैर रखता हुआ चांद की ओर बढ़ता है, जिसके बाद वो चांद पर पहुंचकर सुंदर नजारा देखता है, जहाँ बहुत सारे टिमटिमाते तारे, बड़े बड़े बादल थे। पर वहाँ कुछ अजीब सा था, वो हर कोई अपने अपने काम में व्यस्त था। कोई किसी से बातें कर रहा था, तो कोई खा रहा था, तो कोई चाय बना रहा था, कोई नाच रहा था, और ये सब थे भूत और चुड़ैल। भूत और चुड़ैल को देखकर सनी हक्का बक्का रह जाता है और कहता है, ये क्या, यहाँ तो चांद पर बहुत सारे चुड़ैल और भूतों ने अपनी दुनिया बसा रखी है, मुझे यहाँ से वापस जाना चाहिए। सनी जैसे ही वापस जाने के लिए मुड़ता है, तो वहाँ कोई सीढ़ी नहीं होती। ओ नो, अब तो मैं वापस जा ही नहीं सकता, इससे बढ़िया यही घूम लेता हूँ। ऐसा कहते ही सनी आगे बढ़ जाता है और देखता है एक चुड़ैल बाहर निकलकर बाल्टी का पानी लेकर किसी बाइक से जाते हुए भूत पर डाल देती है। तभी वो भूत बाइक रोक कर कहता है, अरे ओ चुड़ैल, कहीं की आंखें हैं या कंचे, दिखाई नहीं देता, मैं सामने से जा रहा हूँ और मुझ पर पानी डाल दिया, कर दिए ना मेरे ऑफिस के कपड़े खराब। हाँ तो क्या हो गया, सड़ेले अंडे जैसे छिलके की शक्ल वाले भूत कपड़े खराब हुए हैं ना, पर तेरी शक्ल तो पहले से ही खराब है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझे उल्टा जवाब दिया, एक तो चोरी ऊपर से सीरा चोरी। अच्छा बेटा, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, सामने से तुम आए हो, मुझे ख्वाब तो नहीं आ रहे कि एक गंदा सा भूत मेरे घर के सामने से गुजरेगा और मेरा पोछे का पानी तुम पर आ जाएगा। What? तुमने मेरी ऑफिस के कपड़ों पर पोछे का पानी डाला है, अब तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा ही नहीं। अच्छा तो मुझे तुम कमजोर समझते हो, मैंने भी हाथ में चूड़ियां नहीं पहनी है, आ जाओ मैदान में। झूठी कहेगी, देख तेरे हाथ में चूड़ियां भी हैं। अरे तो मैं डायलॉग भी ना मारूं, फिर ये लोग जो हमारी स्टोरी देख रहे हैं, ये इंटरेस्टिंग कैसे बनेगी। अरे हाँ भूल गया था मैं, चलो अब कैरेक्टर में आओ और लड़ो मुझसे। तभी दोनों अपनी शक्तियों से हवा में उछलकर एक दूसरे पर आग के गोले फेंकते हैं। कुछ देर तक दोनों ऐसे ही लड़ते हैं और जब बात नहीं बनती तो जमीन पर आकर एक दूसरे के बाल नोचने लगते हैं। गंदे से भूत कहीं के, आज मैं तुझे मजा चखा कर ही रहूंगी। तो तू भी सुन ले गंदी सी चुड़ैल, तुझे मैं चुड़ैल से भूत बना दूंगा।
इतनी लड़ाई देखकर बेचारा बच्चा डर जाता है और कहता है, बाप ले बाप, इधर कितनी लड़ाई होती है और वो भी चांद पर, मैं तो यहाँ कभी नहीं आऊँ। उन चुड़ैल भूत को वहाँ के लोग शांत करा देते हैं और सनी आगे चला जाता है जहाँ एक चुड़ैल नर्स भूतिये बच्चे के सुई लगाती है। मम्मी पापा मुझे इनसे बचाओ, मुझे नहीं सुई लगवानी। आपका भूतिया बच्चा तो बड़ा ही चिल्लाता है, इसे पकड़ कर रखिए, अभी सुई लगाती हूँ वरना बुखार कैसे उतरेगा। जी नर्स जी। तभी वो नर्स उस भूतिया बच्चे के सुई लगा देती है जिसे देखकर सनी भाग जाता है। आगे वो देखता है कि एक सुंदर सी चुड़ैल और मेकअप करके कहती है, अरे वाह, आज तो पार्टी में सबसे ज्यादा मैं ही अच्छी लगी और मेकअप लगा लेती हूँ। आहा, मुझे और खूबसूरत दिखना है और मेकअप लगाती हूँ। ओहो, इस चुड़ैल आंटी ने मेकअप कर करके अपना मुंह और सड़ा लिया, और सबसे ज्यादा चुड़ैल इस चांद पर यही लग रही है। भूतनी सी शकल, सातवीं फेल चुड़ैल। ओके, तो मैं रेडी हूँ, अब मैं डिस्को जाऊंगी। मोना चुड़ैल का पीछा करते हुए सनी डिस्को पहुंच जाता है जहां वो ठुमके लगाती है। अरे छोड़ छोड़ के अपने सलीम की गली, अनारकली डिस्को चली, चली रे चली डिस्को चली, अनारकली डिस्को चली। तभी नाचते नाचते ऋषभ मोना चुड़ैल के पैर पर पैर रख देता है जिससे वो चीखती है, मेरा पैर, आंखें हैं या बटन दिखाई नहीं देता क्या? ऐसे पागलों की तरह कौन नाचता है? मेरा पैर तोड़ दिया तुमने। ओहो, गलती से हो गया, सॉरी, मैंने जानबूझकर नहीं किया। ऐसे कैसे सॉरी, अगर मुझे कुछ हो जाता तो मैं अपाहिज हो जाती, मेरे पैर में फ्रैक्चर भी आ सकता था, और तुम कह रहे हो सॉरी। सस्ती एलिजाबेथ, अपने आप को ज्यादा महारानी मत समझो, मैंने सिर्फ गलती से तुम्हारे पैर पर पैर रख दिया था। नाचते नाचते 20 किलो का पत्थर नहीं रखा था जो तुम्हारा पैर टूट जाता। हाँ, टूट जाता। ओह प्लीज, मेरा दिमाग खराब मत करो, मुझे डांस करने दो। अच्छा, ऐसी बात है। ये कहते ही मोना उसे धक्का मारकर चली जाती है। इस चुड़ैल की इतनी हिम्मत, इसने मुझे धक्का दिया, छोड़ूंगा नहीं, किसी दिन मिल गई। ओहो, ये भूत वाले अंकल तो बहुत डरावने हैं, भाग जाता हूँ मैं अभी यहाँ से। ये कहते ही सनी बाहर आकर भूतिया स्कूल में घुस जाता है जहाँ छोटे छोटे भूत और चुड़ैल झूला झूल रहे थे। सनी को कोई देख नहीं पा रहा था इसलिए वो भी उन झूलों पर चढ़कर झूलने लगता है। अरे वाह, चांद पर चढ़कर झूले की सवारी कर रहा हूँ, मजा ही आ गया, यहाँ तो मुझे कोई भी नहीं देख सकता। ये, अरे वाह, ये घोड़े वाला झूला कितना अच्छा है। अभी उसका झूला इतना तेज हो जाता है कि वो गिर पड़ता है और रोकर कहता है, अरे राम रे, बड़ी तेज की लगी मेरे बम में, ये कितनी गंदी जगह है, मैंने तो सोचा था चांद बहुत अच्छी जगह होगी, पर ये तो सब भूत और चुड़ैल है, मुझे घर जाना है। सनी बेटा, सनी बेटा उठो, स्कूल जाना है। सनी बेटा, अरे सपने में चांद की सवारी कर रहे हो क्या? चलो वेकअप, सुबह हो गई। माँ की आवाज कानों में पड़ते ही सनी उठ जाता है और आंख मलते हुए कहता है, अरे माँ, आप यहाँ कैसे? और मैं, अरे माँ, चांद और बादल और चुड़ैल कहाँ गए? सनी बेटा, सपने से बाहर आओ। माँ, अब मुझे कभी भी चांद पर नहीं जाना, वो बहुत डरावनी जगह है, वहाँ पर सब लड़ते हैं। ये कहते ही सनी अपनी माँ से लिपट जाता है और तैयार होकर स्कूल चला जाता है। चुड़ैल सास बहू की लड़ाई। आपने धरती की सास बहू की लड़ाई को तो देखा ही होगा, पर क्या आपने कभी चुड़ैल लोग की, चुड़ैल सास बहू की लड़ाई को कभी देखा या सुना है? नहीं ना? तो आइए हम चुड़ैल सास बब्बन और चुड़ैल मेनका बहू के पास चलते हैं। ये दोनों धरती से दूर बादलों के ऊपर चुड़ैल लोक में रहती है। ऐसे ही एक दिन मेनका अपने हाथों पर नेल पेंट लगा रही थी, तभी चुड़ैल बब्बन आकर कहती है, अरे बहू, तू ये क्या कर रही है? मैं तुझे कब से आवाज लगा रही हूँ और तू यहाँ पर अपने नाखून सजा रही है, चुड़ैल कहीं की। आपसे मतलब, आप अपनी लाली लिपस्टिक लगाकर चुड़ैल लोक में उड़ती हो, तब कुछ नहीं होता? आपकी शिकायत ना ससुर जी से करनी पड़ेगी। जा जा चुड़ैल बहू, जिसे कहना है कह दे, ना मैं तुझसे डरती हूँ ना तेरे ससुर जी से।
मेरे एक बार करते वो बिच जाते हैं। अरे ओ चुड़ैल सासुमा, क्यों सुबह सुबह लड़कर मेरी दिमाग की हटा रही हो? बिना लड़े आपको चैन नहीं आता क्या? मुझे तुझसे लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, तेरे कर्म ही ऐसे हैं कि क्या बताऊं। और जल्दी से अब चाय दे दे, तुझसे बहस करके मेरा सिर और दर्द हो रहा है। मैं क्यों बनाऊं चाय? वैसे भी आप मुझ पर हुकुम चलाती थी और यहाँ भी, खुद बना लो अब आप, मैं कोई काम नहीं करूँगी। क्या बोली तू? तू मेरी बहू है, काम तुझे करना ही पड़ेगा चाहे तू कहीं भी हो। माँ जी बहुत हुआ आपका, मैं धरती पर आपका काम किया करती थी, अब यहाँ पर हुकुम मत चलाओ, चैन से यहाँ जीने दो। और अब तो आप भी चुड़ैल हो, जादू से चाय बनाओ, पर मुझे मत कहिए। तुझे तो मैं बताऊंगी बहू, मैं छोड़ूंगी नहीं। लड़ाई करते ही दोनों सास बहू अपने कामों में लग जाती हैं। वहीं दोनों हेडफोन से गाना सुनते हुए आ रही थीं कि दोनों टक्कर खाकर गिर पड़ती हैं। तभी मेनका चुड़ैल कहती है, अरे माँ जी आपको चैन नहीं है क्या? अरे क्यों मुझसे लड़ाई करने के बहाने ढूंढती आप? और ये क्या, मेरी नकल कर रही थी आप? मैं नहीं, तू मेरी नकल करके गाने सुन रही है। और तू अंधी है क्या? दिखाई नहीं देता अपनी सास को जानबूझकर धक्का मारी है, सब पता है मुझे। अरे जानबूझकर तो आपने धक्का दिया है ताकि आप मुझसे बदला ले सको, मैंने आपकी चाय नहीं बनाई ना। चुड़ैल मैं तेरी जितनी गिरी हुई नहीं हूँ। क्या बोला आपने मुझे, मैं गिरी हुई चुड़ैल हूँ? चुड़ैल तो आप भी है माँ जी, और मैं गिरी हुई नहीं हूँ, आपकी सोच ही गिरी हुई है। बहुत हुआ माँ जी, अब आप मेरे वार से नहीं बच सकती। ये कहते ही मेनका हवा में उड़कर उस पर अपनी शक्तियों का वार करती है। तभी बब्बन भी अपना वार करती है, दोनों एक दूसरे पर अपनी शक्तियों से हमला करते हैं। तूने क्या सोचा, तेरी सास कमजोर है, छोड़ूंगी नहीं तुझे मैं, लड़ना है तो आज लड़, दो दो हाथ करते हैं। हारेंगी तो आप ही सासु माँ। दोनों लड़ने लगती हैं, कभी बहू सास को धक्का देती है तो कभी सास बहू को। दोनों चुड़ैल आपस में बाल भी खींचती हैं। तभी उन दोनों के पति आ जाते हैं और कहते हैं, अरे मेनका तुम ये क्या कर रही हो, माँ के साथ क्यों लड़ाई कर रही हो? माँ जी ने मुझे ललकारा है, जवाब तो देना ही होगा ना सुमित। अरे बहू तेरी सास की कमर टूट जाएगी, इतना मत लड़। क्या बोला आपने, मेरी कमर टूट जाएगी? कमर तो मैं आपकी तोड़ूंगी अगर बहू का साइड लिया तो। दोनों फिर से लड़ने लगती हैं। तभी दोनों के पति उन्हें पीछे की ओर खींचकर अपने अपने कमरे में ले जाते हैं। अरे बब्बन तुम पागल हो गई हो, बहू से ऐसे कोई लड़ता है क्या? तुमने फिर से बहू की साइड ली, अब तुम देखो। ये कहते ही चुड़ैल बब्बन जादू से हाथ में बेनर लाकर अपने पति की बहुत पिटाई करती है। तभी वीरेंद्र के सिर पर चिड़िया घूम रही होती है। अब की बार मुझसे पंगा मत लेना, तुम जानते हो ना कि मैं चुड़ैल बब्बन हूँ, तुम भूत बनकर भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वहीं दूसरी ओर सुमित मेनका को कहता है, मेनका तुम सास बहू धरती पर लड़ती थी समझ आता है, पर यहाँ चुड़ैल बनकर तो अच्छे से जी लो, यहाँ भी लड़ी भिड़ती रहती हो। तुम अपनी माँ के सहित मेरे सामने लिया ही मत करो, चुड़ैल मेनका हूँ, भारी पड़ जाऊंगी तुम पर, ये मुझे पति परमेश्वर की कोई ज्ञान नहीं है। अरे तुम समझौता कर लो वासे। दोबारा ऐसा बोलो तो फिर से हवा में लटका दूंगी। दोनों चुड़ैलों ने अपने अपने पतियों को भी धमका दिया था, बेचारे भूत सहम गए थे। वहीं दोनों सुबह सुबह नई लाल रंग की चमकती हुई साड़ी पहन कर आती हैं। तभी दोनों एक दूसरे को एक जैसी साड़ी में देखकर हैरानी से कहती हैं, अरे आपने फिर मेरी नकल करी, अरे चाहती क्या है आप, मेरे जैसी साड़ी पहनने से बुढ़ापे में आपको कोई एंजेलिना जोली नहीं कह देगा। बहुत बात पार कर रही है, मैं तेरी नकल नहीं कर रही, तू मेरी नकल कर रही है, मैं तेरी तरफ झांकी भी नहीं हूँ, मेरी फेवरेट साड़ी है ये। ओह अब समझी मैं, तुझसे ज्यादा सुंदर लग रही हूँ ना, इसलिए तू सेम साड़ी पहन कर आ गई और मुझे ये सब बोल रही है। मुझे आपकी तरह चाल पार्टियां करना और नजर रखना नहीं आता। क्या घोड़ी की तरह की कर रही है, बस कर, आसपास की चुड़ैल तेरी हंसी सुनकर रो पड़ेंगी। माँ जी मेरी हंसी तो एक बार को ठीक भी है, पर आप, मुझे तो ऐसा लग रहा कोई कदा नेचू नेचू कर रहा है। चुप हो जा चुड़ैल बहू, कहीं तू ऐसे हंस हंस कर पागल हो गई तो चुड़ैल के पागल खाने में तुझे भर्ती करवाना पड़ेगा आज ही। माँ जी आपको तो। मेनका घूरते हुए पैर पटक कर चली जाती है। तभी दोनों गुस्से से बादल पर बैठ कर आए हुए थे। मेनका बादल को हटाकर धरती पर देख रही थी। बब्बन आकर कहती है, क्या जाग रही है बहू तू? माँ जी वो देखना, सास बहू कितने प्यार से रह रही है और हम कितना लड़ते हैं। अच्छा मुझे भी दिखा जरा। तभी दोनों नीचे देखती हैं, जहाँ एक सास अपनी बहू के साथ शांति से हंसते हुए खाना खा रही थी। माँ जी और खाना दूँ आपको? हाँ बहू देने,
तूने वाकई में बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया है। ये ले मेरी तरफ से ये शगुन के कंगन तेरे लिए। शुक्रिया माँ जी, ये कंगन तो आप ही की तरह बहुत प्यारा है। तभी सास बहू एक दूसरे के गले लग जाती है, जिसे देख बब्बन चुड़ैल कहती है, अरे हाँ बहू, तूने बिल्कुल ठीक कहा, हमें भी ऐसे प्यार से रहना चाहिए, एक कोशिश तो जरूरी है ना। हाँ माँ जी, तो अब हम प्यार से रहेंगे, तो बताइए आपके लिए चाय बना कर लाऊं? हाँ बहू। बब्बन अपने कमरे में बैठी थी और मेनका चुड़ैल चाय लेकर आती है, तभी उसे इतनी जोर की छींक आती है कि सारी चाय अपनी सास पर उड़ेल देती है और बब्बन कहती है, हे भगवान चुड़ैल कहीं की, सत्यानाश हो तेरा, एक प्यार से काम करने को बोला वो चाय भी तूने मेरे ऊपर डाल दी। ओह माँ जी सॉरी सॉरी, वो गलती से हो गया, मुझे छींक आ गई, एक मौका और दीजिए, हमें लड़ना नहीं चाहिए। ठीक है, एक मौका और देती हूँ, मैं आपके पैर दबा देती हूँ, उससे पहले आपको साफ कर देती हूँ। मेनका अपने जादू से अपनी सास के कपड़े बदल देती है और उसके पांव दबाने लगती है, तभी बब्बन के गुदगुदी होने से वो बहुत हिलती है। अरे अरे बहू, तू ये क्या करी, अरे राम राम राम, अरे बहू बस कर, मुझे बहुत गुदगुदी हो रही तेरे पांव दबाने से। अच्छा माँ जी, अब तो मैं आपके और पैर दबाऊंगी। अरे बहू नहीं नहीं बहू बस। तभी दोनों हंसते हंसते बेड से गिर जाती हैं और कहती हैं, आ लग गई। अरे उठा बहू, मुझे मेरी कमर गई। हाँ माँ जी, अरे माँ जी हमारा ये प्लान भी फेल हो गया, हम आदर्श सास बहू नहीं बन पाए। मुझे मत गिन, तू ही ठीक से काम नहीं करती है, पहले भी और अब भी, तू ही आदर्श नहीं है। माँ जी कमी तो आप में भी है, आपने कब मुझे पुचकारा, बोला है कभी मुझे प्यारी बहू। ठीक है अब बोलती हूँ, आजा मेरी प्यारी चुड़ैल बहू, कितनी गुनी है, बिल्कुल नहीं झगड़ी अपनी सास से। ये कहते ही बब्बन अपनी बहू के गाल पकड़कर खींचती है, तभी चिढ़ते हुए मेनका कहती है, जी 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 माँ जी, ये आप क्या कर रही हैं, हट, ये गंदा लग रहा है। देख लिए तूने, तुझे भी मेरा प्यार करना रास नहीं आया, सच बात तो ये है कि हम बिना लड़े रह ही नहीं सकते, हम प्यार भी करेंगे तो हमें अच्छा नहीं लगेगा, पर हम एक दूसरे से लड़ते हैं ना तो शांति मिलती है। हाँ माँ जी, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा, जब तक एक दूसरे को मिर्च मसाले की तरह सुना ना देना तो दोनों को ही चैन नहीं आता। हाँ बहू तू सही बोली। ये देखकर आप समझ ही गए होंगे कि ये चुड़ैल और सास बहू लड़ने के लिए ही बनी, एक दूसरे से जब तक लड़ना लें एक दूसरे को चैन नहीं आता, इस तरह दोनों चुड़ैल सास बहू बिल्ली की तरह लड़ती ही रहती हैं। बूढ़ी सास का प्यारा कौवा। दूर दराज बसे गुलमोहर गांव में कल्याणी नाम की एक बुजुर्ग बुढ़िया एकदम अकेली रहती थी। हमेशा की भांति आज भी बूढ़ी कल्याणी ओसारे में बैठी हुई बोलती है, इतने बरस बीत गए, संदीप को शहर गए हुए, उसकी बार जोते हुए अब तो मेरी आंखें भी बूढ़ी हो चली, शायद अब तुझे बेटे के लौटने की बात छोड़ देनी चाहिए कल्याणी। ये बोलते हुए बूढ़ी कल्याणी की आंखों से बेबसी की बदरा बरसने लगती है। कुछ देर बाद ही सांझ की बेला घिराती है, जिसे देख कल्याणी कहती है, कल्याणी रसोई घर का रुख करते हुए एकाएक सभी डिब्बे टटोलती है, इतना आटा ही शेष बचा है, अगर प्रत्येक दिन दो रोटियां बनाऊंगी तो सप्ताह भर तक तो चल बन जाएगा। बुढ़िया दो रोटियां बनाकर प्याज के साथ उसे थाली में परोसकर जैसे ही पहला कौर उठाती है कि एक जख्मी कौवा उसके झरोखे पर आकर बैठ जाता है और काँव काँव करने लगता है। अरे ये तो किसी कौवे के करहाने की आवाज है। एकाएक कल्याणी की नजर झरोखे पर पड़ती है, वो कौवे को अपनी बाहों में उठाकर सहलाते हुए कहती है, अरे ये कौवा तो लहूलुहान लथपथ है, लगता है किसी शिकारी ने इस पर निशाना साधा था, तभी इसके पंख और पंजे बुरे तौर से जख्मी हो गए हैं। बुढ़िया झटपट से जड़ी बूटियों का लेप बनाकर कौवे के घाव पर लगा देती है। कुछ पल छिन्न बाद कौवा अपने पंजों पर स्थिर होकर काँव काँव करने लगता है। लगता है ये कौवा प्यासा है, इसे पानी पिलाती हूँ। बुढ़िया कौवे को पानी पिलाती है, तभी कौवा बुढ़िया की परोसी हुई थाली से एक रोटी अपनी चोंच में दबाकर उसे एक टक निहारते हुए पंख फड़फड़ाने लगता है। तुझे भूख लगी है, कोई बात नहीं, हम दोनों मिल बांट कर खाएंगे, एक रोटी तेरी एक मेरी। बुढ़िया अपने हिस्से की एक रोटी कौवे को देकर एक रोटी खाती है। अब हर एक भोर और सांझ को कौवा झरोखे पर आ बैठता, बुढ़िया उसे रोटी देकर सहलाते हुए कहती है, अरे कंकू
मैं तेरी ही राह निहार रही थी। ये ले तेरे हिस्से की एक रोटी। कंकु, मुझ बुढ़िया के पास बेहद सीमित संसाधन है, इसीलिए मैं सिर्फ दो रोटियां ही बनाती हूँ, मगर उसे तुम्हारे संग साझा करके मुझे बेहद सुकून मिलता है। तुम मुझ बुढ़िया के चहेते बन चुके हो। इस तरह हरेक दिन सप्ताहों में शुमार होते चले गए। एक सवेरे कल्याणी का बेटा संदीप अपनी शहरी बीवी श्रेया के संग गांव में दस्तक देता है। संदीप मेरे लाल, तू आ गया। तुझे देखकर मुझ बुढ़िया का दिल बाग बाग हो गया। माँ, ये श्रेया है, मेरी बीवी और आपकी बहू। तूने शादी कर ली और मुझे अब बता रहा है? माँ, सब कुछ बेहद जल्दबाजी में हुआ, आपको खबर करने का समय नहीं मिला। खैर, अब जो संजोग मिल चुके हैं हो गए। आ बहू, तेरी बूढ़ी सास के घर में तेरा स्वागत है। सूरज ढलने के साथ पूरे गुलमोहर गांव सांझ में सराबोर हो जाता है। दरवाजे पर खड़ी कल्याणी को देख संदीप कहता है, माँ क्या बात है, कोई आने वाला है क्या? सवेरे से सैकड़ों बार कभी आप दरवाजे पे जाती हो तो कभी झरोखे पर ताक लगाए हो, सुबह से खाने का एक कौर नहीं पड़ा आपके पेट में। अरे ऐसा कुछ नहीं बेटा, तुम दोनों खा कर सो जाओ, सफर के थके मांदे हो, ज्यादा देर तक जगोगे तो सेहत बिगड़ जाएगी। श्रेया और संदीप अपने कमरे की ओर अग्रसर होने को ही थे कि कौवा उड़ते हुए झरोखे पर आकर बैठता हुआ कांव कांव करता है। ओफो, ये कौवा कहाँ से आ गया? श्रेया डंडा उठाकर कौवे को फटकारने लगती है। अरे ओ काले कौवे, जल्दी से फुर हो जा, वरना तेरे काले भद्दे पर कतर कर रख दूंगी मैं। बहू, ये क्या करामात कर रही है? क्यों सासू माँ, ये कौवा क्या लगता है आपका? बड़ा प्यार आ रहा है आपको इस परिंदे पर? कंकु, मेरे पास आओ। कल्याणी के शब्द सुनकर कौवा उसके कंधे पर आकर बैठ जाता है। कल्याणी हमेशा की भांति उसे खाने को एक रोटी देती है। कल्याणी का कौवे के प्रति अतहास नहीं देख श्रेया पांव पटकते हुए अपने कमरे में चल देती है। गुजरता समय कब साल भर में शुमार हो जाता है। इस बीच श्रुति एक बेटे को जन्म देती है। मुबारक हो बेटा, तू बाप बन गया। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो माँ, आप भी दादी बन गयी। अगर आप दोनों माँ बेटे की बधाई हो चुकी हो तो संदीप, माँ जी को साफ तौर से समझा दो कि अब वो काला कौवा हमारे घर में ना आए, उसकी कर्कश काँव काँव की गूंज से मेरा दूध मुहा बच्चा डर जाएगा। बहू के बोल वचन सुनकर बेचारी बूढ़ी सास चुप्पी साध लेती है, मगर अब जो कि उस परिंदे को बुढ़िया के प्रीत की आदत पड़ चुकी है तो वो कहाँ रुकता। कौवा निस दिन वहाँ आता। एक दिन की बात है, बुढ़िया अपने बहू के बच्चे को ओसारे में खिला रही थी, तभी देर दोपहर कौवा दस्तक दे देता है। अरे कंकु, तू आ गया, मैं कब से तेरी ही राह निहार रही थी। ये ले तेरे हिस्से की रोटी। कौवा चौकी पर बैठकर अपनी चोट से रोटी को खाने लगता है। तभी वहाँ श्रेया और संदीप आ धमकते हैं। सासू माँ, बढ़ती बुढ़ापे में सठिया गई है क्या आप? ये देखते हुए भी कि ये कौवा मेरे बच्चे के बगल में बैठा हुआ है, आप इसे भगाने के बजाय इसे रोटी खिला रही हैं। अरे बहू, एक परिंदे का पेट भरने से क्या बिगड़ जाएगा। माँ जी, आपका प्यार इस काले परिंदे के प्रति परवान चढ़ता जा रहा है। भगवान ना करे अगर इस कसाई कौवे ने अपनी पैनी चोट से मेरे बेटे का आँख फोड़ कर उसे जीवन भर के लिए अंधा कर दिया तब। श्रेया के जहरीले बोल के बाण संदीप के मन मस्तिष्क को भीतर तक सराबोर कर देते हैं, और वो श्रेया के सुर में सुर मिलाते हुए कहता है, माँ श्रेया की बात एकदम सटीक है, इन परिंदों का भरसक भरोसा ही क्या, आज के बाद ये परिंदा यहाँ भटकते नहीं दिखना चाहिए। ये बोलते हुए संदीप एक कंटीली छड़ी से कौवे को मारने लगता है। कौवा करहाने लगता है। अरे बेटा, मत मार कंकु को, तुझे तेरी बूढ़ी माँ की कसम। कंकु, तू जा यहाँ से। बुढ़िया के बोलने पर कौवा पंख फड़फड़ाकर उड़ जाता है। उस रोज सारा आसमान घनघोर बरसाती बादलों से घिराता है, जिसके साथ झमाझम बरसात होती है। इतना तेज तूफान, जाने कंकु कहाँ होगा। ये तो कंकु की आवाज है। बुढ़िया की निगाह घर की मुंडेर पर बैठे कौवे पर जाती है। बुढ़िया के सिवा किसी को भी ये खबर न थी कि कौवे ने मुंडेर को अपना घर बना लिया है। समय गुजरता गया। एक सवेरे, बहू मैं जरा मंदिर जा रही हूँ, मुन्ना का ख्याल रखना, वो सारे में खेल रहा है। ये बोलकर कल्याणी चली जाती है, मगर श्रेया तक उसके शब्द नहीं पहुँच पाते। तभी पास के जंगल से एक जहरीला सांप रेंगते हुए ओसारे में आ घुसता है। तभी कौवा अपनी चोट से उस पर प्रहार करता है। ये तो उसे काले कौवे की कर्कश ध्वनि है। ये सासुमा का कौवा एकदम उनके भाती हटीला है।
श्रेया रसोई से बाहर का रुख करती है, जहाँ वो कौवे और सांप की भिड़ंत देख कर हक्की पक्की हो जाती है। आ, संदीप, सासुमा, जल्दी आइए, घर में सांप घुस आया है, मेरा मुन्ना। कौवा अपनी चोंच और तेने पंजों से सांप को लतराते हुए लहूलुहान कर देता है, मगर दम तोड़ते हुए सांप उसे डंक मार देता है। उसी पल छिन्न कल्याणी वहाँ आ धमकती है। बहू, ये सब क्या है, और मेरा कंकु ऐसे बोझल बेहोश, ऐसे बोझल बेहोश क्यों पड़ा है? माँ जी, जाने ये जंगली जहरीला सांप घर पर कब घुस आया। मुन्ना को बचाने में कंकु इस जहरीले सांप से भिड़ गया। अपनी भरसक कोशिश से कंकु ने इसे मार गिराया, मगर इस काले करेत ने कंकु को डस लिया। मैंने हमेशा इस कौवे को कितने कड़वे बोल सुनाए, बदले में इसने अपनी जान दांव को लगाकर मुन्ना को बचाया। बहू, जल्दी से सांप के काटे हुए भाग पर कपड़ा बांध दे, तब तक मैं जड़ी बूटियों का लेप तैयार करती हूँ, इसे करैत का जहर खत्म हो जाएगा। बुढ़िया रोते बिलखते हुए फौरन लेप बना कर कौवे के पंजे पर लगाती है। कुछ घंटों बाद कौवा भला चंगा अपने पंजों पर खड़ा हो जाता है। कंकु, मुझे माफ कर दो, अब से तुम हमेशा हमारे साथ रहोगे, तुम्हारे कारण ही आज मेरा मुन्ना जिंदा है। श्रेया कौवों के लिए सुंदर सा घोंसला तैयार करती है। अब कौवा सदा के लिए बूढ़ी सास के संग रहने लगता है। डब्बे वाली सास बहू। बिजनौर गांव में रहने वाले हरभजन के परिवार में कुल 4 सदस्य हैं। हरभजन, उसकी पत्नी केसरी, बेटा प्रीतम और बहू मंदिरा। वो दोनों बाप बेटे खेती के काम में काफी निपुण थे। अरे मंदिरा बहू, बना कि नहीं कुछ? बस बाबूजी लाई। बहू अगर देरी हो तो जो रूखा सूखा है वही ले आ। अरे रे रे, अब का बेचारी बहुरिया चुल्हनी पर सवार हो जाए, कौन रेल चूटत है का, ठहर जाओ। अरे भगवान, तुम लुगाई हो कि कसाई, जब देखो हमारे चांद पर मचान गाड़ी की होड़ लगाई रहती हो। आज 2 खेतों में सब्जियां बोना है। मंदिरा तेज गति से दोनों के आगे खाने की थाली परोसती है और दोनों तुरंत खाना सफा चट करके लंबी डकार मारते हुए कहते हैं, वाह बहू, क्या गजब का दमदार खाना बनाया था, पेट भर गया पर मन नहीं भरा। हाँ मंदिरा, बाकी तुमने खाना काफी बेहतरीन बनाया था। आखिर बहू कौने की है, केसरी देवी की, तो नप तुला हाथ तो होइए ही। केसरी बहू के हाथ के खाने की बखान कर रही होती है, तभी गांव का मुखिया दरवाजे पर दस्तक देते हुए बोलता है, अरे जब स्वादिष्ट खाना बनाने में सास 10 नंबरी है तो बहू नंबरी तो होगी ही केसरी। अरे मुखिया जी, आप इतने भोर सवेर हम गरीबन की कुटिया में कोनो काम रहे का? एकदम खास मकसद से आया हूँ, कल मेरी बेटी लाजवंती की मंगनी है, जिसका पहला निमंत्रण तुम्हें देने आया हूँ। दरअसल कल तुम्हें हलवाई की जगह सारा खाना बनाना होगा, क्योंकि हलवाई से ज्यादा भरोसा मुझे तुम्हारे खाने पर है, और हलवाई का श्रम मैं तुम्हें दूंगा। जी हुजूर, निश्चिंत रहिए, हम सास बहू ऐसन खाना बनाए कि सबन जन उंगलियां चाटत रह जाइए। हरभजन और प्रीतम, तुम्हारा ध्यान रखते हुए मैंने मंडी से सब्जियां नहीं मंगाई हैं, क्योंकि मुझे तुम्हारे खेत की ताजी तरकारी कल के भोज के लिए चाहिए। जी सरकार, आज सब्जियां तोड़कर उन्हें कल तड़के भोरी हवेली पर पहुंचा देंगे। अगले सवेरे सास बहू घर का कामकाज निपटाकर हवेली के बावर्ची खाने में पहुंचती हैं। सासू माँ, ये चारों ओर राशन पानी का झमेला देखकर मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करें। बहू घबराना ही, तू बारीक मसाला तैयार कर, पहले कढ़ाई पनीर बनाकर निपटावत है। दोनों सास बहू साड़ी का पल्लू कमर में कसकर खुश मिजाज झटपट खाना तैयार करती हैं। ये देखकर मुखिया हैरानी से कहता है, इतने कम में तो सालों के तजुर्बे से भरे आधे दर्जन हलवाई भी दावत का भोज तैयार नहीं कर पाते जितना कि तुम सास बहू ने किया। ये लो तुम्हारा मेहनताना। मुखिया काका, पहले खाना चक्कर तो देख लीजिए। इसकी कोई जरूरत नहीं, खाने की लजीज महक और रंगत साफ शब्दों में बयां कर रही है कि खाना कितना स्वादिष्ट है। जश्न में सास बहू के खाने की खूब तारीफ होती है, जिसके बाद दोनों घर लौट आती हैं। एक सवेरे हरभजन और केसरी के बीच मुठभेड़ छिड़ जाती है। अरे क्यों छोटी सी बात का बखेड़ा खड़ा कर रही हो? आरी दादा, ई कतो के छोटा बात जान पड़त है, जीवन भर हम गरीब और अमीर के बीच में ही फसल रह जाए, जाने कौन दिन ई डेढ़ फुटिया गुमटी से चतनुमा मकान हुई। माँ जी, वैसे ये आपका आपसी मामला है, लेकिन अगर आप बुरा ना माने तो कुछ कहूँ? हाँ बहुरिया, एकदम बेझिझक होकर कह डाल। माँ जी, अन्नपूर्णा देवी की दया से हम सास बहू के हाथ में
बेहतर खाना बनाने का हुनर सवार है, फिर घर का चूल्हा चौका खत्म करने के बाद सारा दिन खाली हूँ। क्यों ना हम घर बैठे खाने का डब्बा बनाए, इससे चार पैसे आएंगे तो हम घर के मर्दों का हाथ बटा पाएंगे। ई तो एकदम नीक तरकीब है। और डब्बे की सब्जी खरीदने के पैसे तो सूखे सूखे बच जाएंगे। दोनों सास बहू सब्जियों के बागान से सब्जियां तोड़ लाकर बाजार से कुछ डिब्बे खरीदकर चाव से बनाया खाना सजाकर कहती हैं, ईश्वर का नाम लेकर शुरुआत करते हैं। दोनों सास बहू खाने के डिब्बे लेकर बुलंद आवाज से कहती हैं, चखो सास बहू की मजेदार स्वादिष्ट डिब्बे, एक बार खाओगे बार बार आओगे। अरे बहुरिया, हमरा ही खाने के डिब्बे की तरकीब जम तो जाई, कहीं हमारे लगाए हुए पैसे डुबो ना दे। अभी तक एक भी खाने का डिब्बा ना ही बिका। माँ जी, वो इसलिए क्योंकि गांव में संयुक्त परिवार निवास करते हैं जो भोजन खुद पकाते हैं। हमें अपने खाने के डिब्बों को लेकर वहां जाना होगा जहां मजदूर से भरा कारखाना बसा हो। दोनों सर पर खाने के डिब्बों से भरी टोकरी लेकर एक बड़े कारखाने में घुसकर कहती हैं, यहां हमारा काम बन जाएगा। दोनों को देख कारखाने का मालिक महिपाल कहता है, अरे किसकी इजाजत से अंदर घुसी आ रही हो? साहिब, वो दोपहर के भोजन के समय जानकर हम बिन इजाजत अंदर चली आई। जी, हम सास बहू खाने के डिब्बे बनाती हैं। नहीं चाहिए ये बेस्वाद खाने के डिब्बे। साहिब, एक डब्बा चेक कर देख लो, खाना ना भाई तो भले एक पैसा ना देना। महिपाल जैसे ही खाने का डिब्बा खोलता है, उसमें से आ रही तेज खुशबू से मंत्रमुग्ध होकर खाने का निवाला चक्कर वाह वाही करता है। भाई वाह, तुम सास बहू के हाथों में तो जादू है, इतना लाजवाब खाना, मजा आ गया भाई। तुम्हारे हाथों में साक्षात अन्नपूर्णा का वास है। कल से हर रोज मेरे कारखाने की खातिर 50 डिब्बे ले आना और हाथों हाथ कीमत ले जाना। जी आपका शुक्रिया। महिपाल बाकी के डिब्बे की कीमत अदा करके सभी वर्कर को खाना देता है। उन कीमत से सास बहू एक पुराना ठेला खरीद कर खाने के डिब्बे तैयार करके उन्हें हर दिन बेचने निकलती हैं। आ जाओ काका चाचा और ले जाओ सास बहू के लाजवाब स्वाद से भरे खाने के डिब्बे। अरे वो खाने वाली, कैसे बेच रही हो एक डिब्बा? जी 50 रुपए में एक भरा पूरा डिब्बा, इसमें 2 तरह की सब्जी, 4 रोटी और चावल शामिल है। 50 रुपए में इतना कुछ? तुमने तो 10 बरस पीछे की याद दिला दी। बबुआ, तू ई गांव में नया आए हो का? जी काकी, मेरे 4 दोस्त भी मेरे संग हैं। अगर आपके डिब्बे का खाना शानदार निकला तो कल से 5 डिब्बे खरीदूंगा। धीरे धीरे सास बहू के शानदार खाने के डिब्बों की खपत तेजी से बढ़ती चली जाती है, जिससे उन्हें काफी ज्यादा आमदनी होने लगती है। माँ जी, खाने के डिब्बों से इतने कम वक्त में हमने इतने पैसे जोड़े हैं, क्यों ना अब हम एक ढाबा खोलें? उससे हमें 2 फायदे होंगे। राहगीर वहाँ तसल्ली से बैठकर खाएंगे और हमें दिन भर धूप की मार नहीं झेलनी पड़ेगी। रही बात डिब्बे पहुँचाने की, तो उस खातिर हम एक नौकर रख लेंगे। दोनों सास बहू ढाबा खोलकर उसे चलाने लगती हैं। उनके खाने की अच्छी गुणवत्ता और सस्ते दर के चलते लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही थी। जो भी उनके हाथ का स्वाद चखता वो कहता, वाह क्या गजब का स्वाद भरा है तुम सास बहू के खाने में, मजा आ गया, एक डिब्बा घर के खातिर भी भर दो। जी क्यों नहीं। ढाबे पर आने वाले लोग ना सास बहू के दमदार खाने को वहाँ बैठकर खाते, बल्कि खाने के डिब्बे घर भी ले जाया करते, जिससे उनकी दुगनी कमाई होने लगी थी। माँ जी, अब हर दिन हमारी दुकान पर सैकड़ों लोग की भरमार लग रही है। ऐसे में कारखाने और मीलों में खाने के डिब्बे पहुँचाने का काम शायद रोकना पड़ेगा। अरे बहू, ही कब बोला तो, वो दिन भूल गई? हम सास बहू आज उन खाने के डिब्बे से मशहूर होकर ही इस मुकाम तक पहुँचे हैं। दोनों सास बहू सोच में पड़ जाती हैं, तभी एक युवक वहां आकर कहता है, जी मेरा नाम भोला है, अगर आपके यहाँ मेरे लायक कोई काम हो तो बता दीजिए। काम तो है, तुम्हें हम सास बहू के हाथों बनाते खाने के डिब्बों को इन पते पर पहुंचाना होगा। हो जाएगा दीदी। चलो, डब्बे का मसला भी सुलझ गया। डिब्बे और ढाबे से उन्हें हर दिन ताबड़तोड़ कमाई होती है, जिसे वो एक शानदार घर बनाती हैं और काफी रईस हो जाती हैं। साथ ही और भी कई नौकर चाकर उनके डिब्बे के काम में शामिल होते हैं। बहू, हमके आपन दुकान के नाम सास बहू के डिब्बे रखे के चाही, काहे कि ऊके चलते ही अमाज औरत होकर भी इतना कुछ हासिल कर चुके हैं। सब हमारे हाथों का हुनर का कमाल है सासू माँ। सास बहू के बेहतरीन खाने के डिब्बे उन्हें ना सिर्फ तरक्की की सीढ़ियां चढ़ाता है, बल्कि गांव गांव में मशहूर करता है। शाम के समय राजू के खेत में एक गर्भवती गाय घुस जाती है, जो अपनी भूख के कारण खेत की आधी फसल खाकर खराब कर देती है। वहीं उस खेत का मालिक राजू गाय को फसल खाते हुए देख लेता है और डंडा लेकर उसे मारने लगता है।
अरे तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी फसल को खराब करने की? कितनी मेहनत करी थी मैंने, अब तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। ऐसा कहकर राजू उस गर्भवती गाय को डंडे से मारने लगता है, जिसके बाद वो गर्भवती गाय घायल हो जाती है और चिल्लाती है। तभी बूढ़ी चुड़ैल आकर कहती है, तूने मेरी गर्भवती गाय को डंडे से मारा, अब तू गया, छोड़ूंगी नहीं मैं तुझे, देख तेरा क्या हश्र करूंगी, मार डालूंगी। तू दो कौड़ी की बुढ़िया थकी हुई चुड़ैल मेरा क्या हश्र करेगी? हाँ, जान है तुझमें? नहीं है तो छड़ी पकड़ ले, अगले साल तक तो तू पहुँच जाएगी। तू जानता नहीं है मैं बुढ़िया तो हूँ मगर एक चुड़ैल भी हूँ, अगर कोई भी मेरी गर्भवती गाय को परेशान करता है तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ती हूँ। इतना कहते ही चुड़ैल उसे हवा में पटकती है और बेरहमी के साथ मार डालती है। अगले दिन राजू का मृत शरीर देखकर गांव के लोग डर जाते हैं और कहते हैं, बूढ़ी बाबा ये राजू को इस तरह किसने मार डाला? हो न हो, लेकिन राजू की मौत देखकर ऐसा लगता है कि ये जरूर किसी चुड़ैल का किया धरा है जिसने बड़ी बेरहमी से मार डाला। राजू की मौत तो सिर्फ शुरुआत थी, गांव में मौत का खेल होना तो अभी बाकी था। आखिर कौन वो चुड़ैल थी जो एक गर्भवती गाय के लिए उसने राजू को मार डाला? आखिर दोनों के बीच ऐसा क्या रिश्ता था? जानने के लिए कहानी के दिलचस्प पहलुओं को सुलझाते हैं। अगले दिन वो गर्भवती गाय फिर भूख से व्याकुल होकर आवाजें निकालने लगती है। तभी वो बूढ़ी चुड़ैल उस गाय को सहलाने लगती है और कहती है, तुम्हें बहुत भूख लगी है ना, ये लो चारा खाओ। चुड़ैल अपने हाथ से एक एक चारा उस गाय को खिलाती है, जिसके बाद उस गर्भवती गाय को और भूख लगती है। तभी चुड़ैल उसे किसी और के खेत में ले जाकर चारा खाने के लिए छोड़ देती है। गर्भवती गाय उस खेत की भी फसल को खराब कर इधर उधर से खा लेती है, जिसे देखकर गांव के दो तीन लोग आ जाते हैं और गाय को भगाने के लिए उस पर पत्थर बरसाने लगते हैं, जिसके बाद वो गर्भवती गाय घायल हो जाती है। उसे घायल देख बूढ़ी चुड़ैल गांव के लोगों पर गुस्सा करते हुए कहती है, तुम लोगों ने मिलकर मेरी गाय को, मेरी गर्भवती गाय को मार कर घायल करने की कोशिश की ना, अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मेरी गाय ने जितना दर्द सहा है उससे ज्यादा दर्द मैं अब तुम्हें दूंगी, मरने के लिए तैयार हो जाओ। अरे भागो भागो, अरे ये चुड़ैल हमारी तरफ आई उससे पहले निकलो खेत से भाइयो। अरे हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे कैसे भाग रहे हो, पहले मैं तुमसे निपट तो लूं। ये बोलकर चुड़ैल उन लोगों को हवा में उछालकर जमीन पर पटकने लगती है। उसके बाद वो उन्हें बहुत मारती है। उसके बाद वो तीनों लोग मर जाते हैं। उनकी मौत को देखकर बूढ़ी चुड़ैल हंसते हुए कहती है, जो भी व्यक्ति मेरी गर्भवती गाय को उसके खेत में से चारा खाने नहीं देगा उसे मैं जिंदा मार डालूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी, सब मरोगे। इस तरह वो बूढ़ी चुड़ैल अपनी गर्भवती गाय को बार बार दूसरे के खेतों में चारा खाने के लिए छोड़ दिया करती थी, जिसके बाद अगर कोई भी इंसान उस गर्भवती गाय को कुछ भी कहता था तो चुड़ैल उसे मौत के घाट उतार दिया करती थी। चुड़ैल को मारता हुआ गांव के लोग देख लेते हैं, जिसके बाद गांव में धीरे धीरे चुड़ैल और गर्भवती गाय का खौफ फैल जाता है। वहीं जब चुड़ैल अपने गाय के सिर पर हाथ रखकर प्यार कर रही थी, तभी एक 12 साल का बच्चा अमन आता है। जैसे जीव जंतु आत्माओं को देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही बच्चे भी भगवान का स्वरूप होते हैं, उन्हें भी आत्माएं दिख जाती हैं। इसलिए छोटे से अमन को अपनी दादी दिखाई देती है, जिसके गले लगकर वो कहता है, अरे दादी दादी आप आ गई, आप कहाँ चली गई थी, पता है आपको कितना ढूंढा मैंने। अमन बेटा तू मुझे देख सकता है, आजा मेरे बच्चे, मैंने तुझे बहुत याद किया था, तूने मुझे किया। हाँ दादी, मैंने भी आपको बहुत मिस किया, मम्मी पापा तो आपके कमरे में भी नहीं जाने देते थे मुझे, मैं आपको बहुत याद करके रोता था, लेकिन अब आप आ गए हो तो कहीं मत जाना। हाँ बेटा। इस तरह दोनों दादी पोता एक साथ बैठकर बहुत बातें करते हैं। इतने में गांव के लोग चुड़ैल को कैद करने के लिए तांत्रिक बाबा को बुला कर ले आते हैं, जो अपने मंत्र पढ़कर उस चुड़ैल दादी को एक घेरे में कैद कर लेता है और कहता है, बस बहुत लोगों को मार लिया तूने चुड़ैल, बता चुड़ैल आखिर क्यों इतने सारे लोगों को तू मार रही है और उनके खेत क्यों बर्बाद तूने किए हैं, क्या तुझ में इतनी भी बुद्धि नहीं है? तांत्रिक ये कहते कहते उस पर भस्म फेंक देता है, जिसके बाद चुड़ैल मजबूर होकर सब बताने लगती है। 3 महीने पहले की बात है, मैं अपने छोटे से पोते अमन और बहू सुभद्रा बेटे राहुल के साथ रहा करती थी। मैं अपने पोते से बहुत प्यार करती थी, उसे अपने हाथ से खाना खिलाती तो कभी पेड़ पर पत्थर मार कर उसके साथ आम तोड़ा करती थी। फिर एक दिन मुझे अचानक से रास्ते पर घायल गाय मिली,
मुझसे उस गाय को इस हालत में देखा नहीं गया और मैं अपने घर ले आई, उसकी सेवा करी, चोट पर मरहम लगाया। ये देखकर मेरे बहू बेटा चिढ़ गए और बोले, माँ जी आप पागल हैं क्या? अमन का वैसे भी खर्चा उठ नहीं पाता और आप इस गाय को और ले आई। देखिए, मैं आपको पहले ही बता दूं, मैं इसके लिए चारा वारा नहीं लाऊंगा। कोई बात नहीं बेटा, मैं खुद ले आऊंगी, तुम इस गाय को यहीं रहने दे बस। बुढ़िया उस गाय को खुद ही चारा लाकर खिलाने लग गई थी। कुछ महीनों में वो गाय गर्भवती हो गई और वो बुढ़िया अपने पोते के साथ मिलकर उस गाय का ख्याल रखती, टाइम पर चारा खिलाती। लेकिन एक रोज चारा लाते वक्त उस बुढ़िया का एक्सीडेंट हो गया, जिसके चलते वो बुढ़िया चुड़ैल बन गई। वहीं दूसरी तरफ सुभद्रा और राहुल का अपनी माँ के लिए एक आंसू नहीं गिरा और उस गर्भवती गाय को उन्होंने घर से बाहर निकाल दिया। जिसके बाद मैंने अपनी गाय को चारा खाने के लिए खेतों में छोड़ दिया। मैं जानती हूँ, जाने अनजाने मैंने आपकी मेहनत की फसल खराब कर दी, लेकिन अपनी भूखी गाय को मैं यूँ तड़पता हुआ नहीं देख सकती थी। बहुत बुरा किया तूने, लेकिन तुझे जाना होगा, अभी तुझे भस्म करता हूँ मैं। नहीं नहीं नहीं, अरे मेरी दादी को कुछ मत करो, वो बहुत अच्छी है, वो मेरा और गाय का बहुत ख्याल रखती है, उन्हें कुछ भी मत करो, दादी आप कहीं मत जाना। ये कहकर अमन अपनी चुड़ैल दादी से लिपट जाता है। इतने में उसके बहू बेटे भी आ जाते हैं और उसकी तकलीफ समझकर उससे माफी मांगने लगते हैं। माँ जी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया, मैं उसके लिए आपसे माफी मांगती हूँ। आपसे और आपकी गाय से मैं इस गाय को अपने साथ रखूंगी और उसकी सेवा करूंगी। हाँ माँ, मुझे माफ कर दो, घमंड में आकर मैं पागल हो गया था, लेकिन अब से माँ ये गाय हमारे साथ रहेगी और इसका जो बच्चा होगा वो भी हमारे साथ ही रहेगा, आप निश्चिंत रहिए। आज मैं बहुत खुश हूँ, मुझे जो चाहिए था वो सब मिल गया और मेरे बेटे बहू ने गर्भवती गाय को भी अपना लिया, मुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और हाँ, अमन को खूब पढ़ाना लिखाना, अब मैं चलती हूँ, आप सबको मैंने जो तकलीफ दी है उसके लिए मुझे क्षमा करना। दादी दादी नहीं, आप कहीं नहीं जाओगी। चुड़ैल दादी अपने पोते को समझाकर हमेशा के लिए गांव को छोड़कर चली जाती है।